SBS News, सच का साथी। की जा रही किस वजह से की जा रही है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अनीस मंसूरी है, पसमांदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और समाज के लीडर होने के नाते जो ये लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत निर्मम हत्या हुई, तो उनके वाले साहब बैठे हुए हैं, दिलदार साहब, उनके दोनों बेटों की जो निर्मम हत्या हुई, इससे पूरा प्रदेश का देश हिल गया। पसमांदा मुस्लिम समाज लीडर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तबके की हम नुमाइंदगी करते हैं, खासतौर से उस तबके के लोगों को तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध हो रहे हैं, बलात्कार, मर्डर घटनाएं ताबड़तोड़ एक के बाद एक हो रही हैं, इससे पूरा प्रदेश हिल चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और उसी की कड़ी में एक आपने देखा कि जिस प्रकार से अलीगढ़ में हादसा हुआ, उस बच्चे के साथ जो हुआ लाइव देखा गया, लाइव काउंटर आपने देखा, तो सारी चीजें अब यहाँ की पब्लिक भी समझने लगी है। जनता में शासन प्रशासन के प्रति बड़ा आक्रोश है, सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है कि सरकार अपराध को नियंत्रण नहीं कर पा रही है किसी भी तरीके से, और इस तरीके से सरकार के ढीली रवैया से, शासन प्रशासन के पुलिस वालों के ढीली रवैया की वजह से जो घटना करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, वो ताबड़तोड़ अंजाम देते चले जा रहे हैं, वो बेखौफ हो गए हैं, निडर हो करके और ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम क्रिमिनल के दिलों में पुलिस का खौफ, शासन प्रशासन का खौफ, सरकार का खौफ खत्म हो गया है। जिस प्रकार मैं कल गया इनके घर पे, वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, सारे लोग मायूस थे और लोगों का कहना था कि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज चार दिन का वक्फा गुजर गया, अभी तक किसी तरह से इनको कोई भरोसा नहीं हुआ कि जो कातिल लोग हैं वो किसी तरह पुलिस के चंगुल में आए हों, वो पूरी तरह घूम रहे हैं और दूसरों के जरिए वो कहीं ना कहीं धमकियां भी दे रहे हैं जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, जो लोग उनके साथ साथ साना बसाना खड़े हैं, उनके गम में शरीक हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बैकडोर से धमकियां मिल रही है। लोग मिलकर समझा रहे हैं कि भाई आप ज्यादा आगे आगे मत कूदो, वरना ये लोग अभी छूटे हैं, पुलिस से गिरफ्त नहीं आए हैं, कहीं देर सवेर रात बिरात आपके साथ भी हादसा हो सकता है। तो जो मदद करने वाले वो भी बेचारे बड़े दहशत के अलम में जी रहे हैं। तो शहर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया और शहर अभी सोया हुआ है। आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 9 दिन पहले घटना है कि विवेक तिवारी की किस तरीके से हत्या हुई और पुलिस वाले किस तरह से उसमें मुलविस थे, और ये सारी चीजें सब आया हो गई। पुलिस ने उसको ताबड़तोड़, हमारे मीडिया के बंधु भी उसमें बड़े मुस्तैदी के साथ लग गए, और इनके मुस्तैदी की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने बंधु थे, सारे लोगों को मुस्तैदी की वजह से उस केस का खुलासा लगभग लगभग हो गया। उसी तरह हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस केस के में खुलासा होने कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि विवेक तिवारी के हत्याकांड में कोई ऐसी चीज नहीं थी, ऐसा एविडेंस नहीं था जो उसमें खुलासा होने के उस वक्त चांस थे। लेकिन ये अरमान के और इमरान के हत्या में पूरी सारी वहां की आधा घंटे की पूरी सीन आपके मीडिया के बंधुओं ने दिखाया, टेलीविजन के जरिए दिखाया, आपने भी छापा, अखबार ने भी छापा, तो अब उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कातिल कौन है, ये सारा पता चल गया है कि कातिल कौन है। और इतने बेखौफ होकर के मैंने भी सीसी कैमरा देखा, मैंने भी टेलीविजन पे देखा कि मर्डर करके और आधा घंटा उस मोहल्ले के अंदर चला और चंद 250-300 मीटर की दूरी पर थाना था और थाने के लोग सोते रहे, आधा घंटे के बाद, मुझे लगता है कि आधा घंटे के बाद ही वहां पर पुलिस पहुंची। और हमने अखबार जब पढ़ा उसमें देखा, हमने पुलिस वालों को बयान, उन्होंने कहा कि 5 मिनट बाद वहां के इंचार्ज वहीं आसपास कहीं क्षेत्र में पहुंच गए। अगर 5 मिनट में वो पहुंच गए थे तो आधा घंटे के बाद ही मर्डर हुआ, ये केस हुआ, तो पुलिस वहां क्या तमाशा देख रही थी? इसलिए हम जिस प्रकार हमारे लोग बड़े शालीन लोग हैं, हमारे लोग अराजकता नहीं फैलाना चाहते हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से न्याय चाहते हैं, और हमारे लोग चाहते तो तमाम शहर के अंदर धरना, और इतने मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है, तो ये जो मुकदमे दर्ज, मैंने इनकी धाराएं भी पढ़ी, जिस प्रकार धाराएं पढ़ी उन धाराओं में वहां की लोकल पुलिस ने, क्योंकि वो लड़का जो है जिसने मर्डर किया था शिवम, उनके चाचा
विजय सिंह चक्की चलाते हैं, वो भाजपा के लीडर हैं और पूरी तरह से वो भाजपा की पूरी टीम वहां पर इस मर्डर में मुलविस थी और उनका हौसले बढ़े हुए थे। अगर वो अभी एक साल के अंदर ये 5-6 वारदात किया और एक लड़के को मारा, उसका सर फट गया, 29 टांके लगे, एक बोतल तोड़ के पेट में डाल दी और उसे 27 टांके लगे, ऐसे मतलब गंभीर चोटें आई लोगों को, लेकिन वहां की पुलिस ने उनकी बात FIR को पूरी तरह न समझ करके हल्की धाराओं में उनका चालान कर दिया और वो कभी तो थाने से छूट गए, एक आध बार जेल गए तो दूसरे दिन जैसे बाहर आ गए। तो पुलिस की लचर व्यवस्था, पुलिस की धीरे रवैया की वजह से इन कातिलों के हौसले बुलंद होते चले गए। सरकार इन क्रिमिनलों पर, इन अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। मैं तो ये कहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार, श्री माननीय योगी जी की सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास हो, चाहे लोगों को न्याय मिलता हो, चाहे जो नौजवानों को रोजगार की बात हो, तमाम सभी मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से सरकार ने ताबड़तोड़ प्रयास करके, कोशिश करके, तमाम पुलिस की टीम लगा करके और जो जिस केस का विवेक तिवारी हत्याकांड का कोई क्लू नहीं मिल रहा था, उसमें पुलिस ने सारे क्लू ताबड़ तोड़ दो दिन एक दिन में इकट्ठा करके और उसका खुलासा कर दिया और यहाँ पर केस खुला हुआ, इसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे अफसोस है कि हमारे तमाम जो माइनॉरिटी के लोग हैं इनके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जब से बनी है तब से हमारे माइनॉरिटी के लोगों के साथ में, पूरे प्रदेश में खासतौर से पसमांदा तबके के मुसलमानों के साथ में तमाम जातियां हो रही हैं, इनके साथ इनकी हत्याएं की जा रही है और बेगुनाह लोगों को पकड़ करके इनकाउंटर, ये सरकार इनकाउंटर वाली सरकार है और बेगुनाह लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब इनके परिवार के लिए जब DM गए, वहां पर SP साहब गए, SSP साहब गए, सारे पुलिस प्रशासन के लोग थे, बताइए दो दो बेटों का मर्डर हुआ और एक तो इनको न्याय चाहिए, दूसरा आपने जो इनकी सहायता राशि, इनकी मदद करने के लिए जो आर्थिक राशि दी तो वो 5 लाख रुपए, ये काफी नहीं था, ये किसी भी इतने बड़े जख्म में मरहम लगाने के लिए काफी नहीं था। जिस प्रकार मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस ने, और भी इस प्रदेश के अंदर तमाम हादसात गुजरे हैं, बलात्कार हुए हैं, कत्ल हुए हैं, लोगों को तमाम गोलियां चली हैं, उन सब लोगों को जिस प्रकार से सरकार ने उनकी सहायता, आर्थिक सहायता दिल खोल करके दिया था, उनके लिए अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि विवेक तिवारी को 40 लाख 50 लाख जो भी आर्थिक सहायता मिला, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे, उनके बच्चों काम आएंगे, उनके लिए राहत की बात है, लेकिन उसी कड़ी में अगर दिलदार के फादर को भी इसी तरीके से सरकार आर्थिक सहायता देती तो मुझे लगता कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में ये बात, ये भावना ना आती कि सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है, सरकार डबल पॉलिसी अपना रही है। एक तरफ जो और लोगों का कत्ल हो रहे हैं वहाँ 50 लाख 25 लाख 40 लाख रुपए उनकी आर्थिक सहायता दी जा रही है और हमारे जो माइनॉरिटी के लोग जो हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कोई हादसा गुजरता है तो सरकार जाकर के वहाँ जाकर के केवल एक बहुत मामूली सा नाम मात्र के खाना पूरी करने काम करती है। इन्हें इंसाफ चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक सहायता से पहले इनको इंसाफ चाहिए कि कातिल गिरफ्तार हों, उनको जेल जाना चाहिए। और जो मुझे तो आशंका यह भी हो रहा है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है कि पुलिस अभी धाराओं में जिस तरीके से उनके ऊपर धाराएं लगाई हैं, जो जघन्य अपराध है, डबल मर्डर केस है, इसमें तो सीधे सीधे फांसी का प्रावधान है, लेकिन पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दबाव के कारण, चूंकि उनके चाचा, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता भी लोग हैं, तो मुझे इस बात की आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि उनके परिवार वालों के, नेताओं के दबाव में, सरकार के दबाव में पुलिस विभाग के लोग उनकी जांच में इधर उधर कोताही बरतें और मुकदमा में ढीला लचीला रवैया अपना करके केस को हल्का करके और कातिल को बड़े आराम से उसको जमानत मिल जाए और उसको हल्की फुल्की सजा मिल सके और वो फिर कातिल आकर के और फिर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाए। मेरी डिमांड है कि सख्त कार्रवाई करे योगी सरकार, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके सख्त से सजा देने की प्रावधान बनाए और पुलिस वालों पर सख्ती से कहे कि जिस तरीके से डबल मर्डर हुआ है और इनमें जो भी धाराएं बनती हैं, उस धारा जो संविधान में है, उस धारा के अंतर्गत इनको सजा मिलनी चाहिए।